सवाल इस वक्त इस बात का है कि शांति को सब लोग पसंद करते हैं, शांति की, अमन की बात हम सब की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए शांति के लिए ही दुनिया में। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, एडमिशन आर ओपन, नसीब होटल, टी पॉइंट एंड टिफिन सेंटर। में जब तक जमीन पर अमन नहीं रहेगा तरक्की नहीं होगी, इंसाफ नहीं होगा तो दुनिया में अमन भी नहीं रहेगा, चैन भी नहीं रहेगा। दुनिया में हम क्या हो रहा है ये नहीं देखना, हमारी इस बात की कोशिश रही है कि बसो कल्याण शांति रहे। हमारा कर्तव्य है कि हम बसो कल्याण के वासी हैं और इसको हम शांति से रखें। बार बार ये बात हम चाहते हैं, एसपी साहब के जरिए से भी, जब उन्होंने पहली बार तो मुबारकबाद देता हूं कि 12 तारीख को बसो कल्याण का बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा बसो कल्याण का एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन किया, तो मैं चाहता हूं कि बसो कल्याण उनको थालियों के साथ उसके स्वागत करे और उनके काम को सफल न करे। हम देखिए कुछ लोग हैं किट भावना के साथ बसो कल्याण में आ रहे हैं। बसो कल्याण में अनुभव मंडप का सवाल कि वो ये पहले कभी नहीं था, लेकिन अचानक 10 सालों में से किसी ने खड़ा कर दिया और उसके लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा बसो कल्याण के पूरे स्टेट भर से लोग आ रहे हैं, इस तरह की बात नहीं। साइबर क्राइम सर्वे बहुत अच्छा, दो दिन पहले ने एक मीटिंग लेकर साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता अवेयरनेस की बात कही है। Who are to check that cyber crimes? It is not an individual responsibility. It is a department. एक department है cyber crime का, उसको check करे कि कौन क्या forward कर रहा है, क्या message दे रहा है, समाज में कौन कट भावना पैदा कर रहा है, इसको देखने की जिम्मेदारी, इसको check करने की जिम्मेदारी cyber crime department की है। तो मैं इस meeting में इस बात की ख्वाहिश करता हूं कि cyber crime का जो department है, ये कोई भी आदमी जो violence वाली बात है, hate वाली बात है, जो hate mongers इस वक्त जो hate फैला रहे हैं, वो हेट वाले मैसेजेस पर चेक लगाया जाए, फौरी तौर पर उनको कंट्रोल किया जाए ताकि ये बात होने ना पाए। दूसरी बात, कानून को कभी भी हो हाथ में इंसान नहीं लेना चाहिए। जो कोई कानून को हाथ में लेता है दरअसल वो अमन को भंग करने की प्रक्रिया करता है। हम उसका खंडन करें। जिस तरह से मैसे ने बात कही, बोलने के लिए तो बहुत अच्छा है यहां से कि तकरीर तो बहुत अच्छी करेंगे, बात तो बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन दर पर्दा लोगों को प्रोक करेंगे, लोगों को हेट बात करेंगे, नफरत करेंगे, लोगों के स्टाइल अंग्रेजी के पैदा करेंगे, ये चीज सही नहीं है। आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए सर कि सब तरफ प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन बसो कल्याण बीदर डिस्ट्रिक्ट इसमें शांत था। जब तक ये इवेंट नहीं हो गया तो लोग, यहां के कुछ लोग हैं जो बसो कल्याण की शांति को भंग करना चाहते हैं, परसकट्टे के नाम पर भंग करना चाह रहे थे, अब वो पीर पाशा बंगले के नाम पर भंग करना चाह रहे थे, अब उसके बाद वो नहीं हो रहा तो फिर ये फेसबुक पर व्हाट्सएप पर ये चीजें रखकर यहाँ की शांति को भंग करने के लिए प्रयोग किया गया, और जिसके नतीजे में कुछ लोगों ने इस तरह की रात में जो घटना भी, वो भी गलत भी, वो करने वाली भी गलत भी, ये गलत भी। तो मैं इस मौके पर जो दो बात कहने का मौका मिला, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं कि हम शांति के इस शहर को शांति बनाए रखें। हर एक का कर्तव्य है, हर एक का फर्ज है, और अमन के लिए कोई इनोसेंट को कोई सजा ना मिले, कोई गलती ना करने वाले को कोई उसका हम खिमाजा भगतने की हमें ना होना पड़े। मैं दो बात कहते हुए जो बात करने का मौका दिया गया, मैं इसका धन्यवाद कहते